गुड इवनिंग दीपक। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने द्विपद प्रमेय के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग विभाज्यता तथा शेषफल से संबंधित प्रश्न में चार क्वेश्चन किए हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है ना, तो हम सेकंड एप्लीकेशन पर आते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। सेकंड एप्लीकेशन पर आते हैं हम। ठीक है, एक एप्लीकेशन हम कर चुके हैं, अब हम सेकंड एप्लीकेशन पर आ रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने क्या किया है, द्विपद प्रमेय के अनुप्रयोग में, फर्स्ट अनुप्रयोग में क्या किया हमने, विभाज्यता तथा शेषफल से संबंधित प्रश्न, विभाज्यता तथा शेषफल से संबंधित प्रश्न। हम सेकंड एप्लीकेशन पर आते हैं। व्यंजक वन प्लस ए एक्स टू दी पावर ए प्लस बी एक्स टू दी पावर बी व्यंजक है ना, इस प्रकार का व्यंजक है कोई, के प्रसार में एक्स टू दी पावर आर का गुणांक है ना। सेकेंड एप्लीकेशन इस प्रकार का कोई व्यंजक होगा, उसमें पर्टिकुलर गुणांक पूछा होगा। तो हम क्वेश्चन से ही करते हैं, है ना, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर की होल पावर टेन के प्रसार में एक्स व एक्स स्क्वायर के गुणांक ज्ञात कीजिए, है ना। एक्स का गुणांक भी ज्ञात करना है और एक्स स्क्वायर का गुणांक भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं देखें। वन प्लस टू एक्स द्विपद प्रमेय लगाते हैं हम इसमें, कैसे, लेकिन पद तीन है तो हम द्विपद में कन्वर्ट करते हैं इसको, एक्स कॉमन लिया, टू प्लस थ्री एक्स, समझ में आया। ये एक पद द्विपद प्रमेय लगाए, टेन सी जीरो, वन वन लिखने की जरूरत ही नहीं, वन की पावर टेन और इसकी पावर जीरो, ये भी लिखने की जरूरत है ना, लिख और नहीं समझ में आए तो लिख भी सकते हैं, टेन एक्स इंटू टू प्लस थ्री एक्स होल पावर जीरो की द्विपद प्रसार कैसे किया वो समझ में ना आए, टेन सी वन, वन की पावर नाइन, एक्स इंटू टू प्लस थ्री एक्स प्लस टेन सी टू, वन की पावर एट, एक्स इंटू टू प्लस थ्री एक्स का होल स्क्वायर, और वो पूरे का होल स्क्वायर है एक्चुअली, है ना, ये इसकी पूरे की पावर वन है और ये पूरे का होल स्क्वायर। इसी तरह से और पद भी आएंगे, ठीक है। टेन सी जीरो वन होता है, ये भी वन, ये पूरी टर्म वन आ गई, टेन सी वन टेन होता है ना, और एक्स प्लस टू एक्स इंटू टू प्लस थ्री एक्स, राइट,
प्लस 10 सी 2 को कैलकुलेट करें क्या, 10 इंटू 9 है ना, कर सकते हैं कैलकुलेट 10 सी 2 को, फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8, 10 9 8 गया 2 45, और x स्क्वायर और 2 प्लस 3 x का होल स्क्वायर, ओके है ना। अब हमें किसका गुणांक चाहिए, सबसे पहले तो x का गुणांक चाहिए, तो देखो जरा ध्यान से, x का गुणांक पहले पद में तो x है नहीं, दूसरे पद में ये आएगा 2 का इंटू x में करोगे तो 2x और उसमें 10 का इंटू 20x, तो 20 समझ में, आगे कहीं x मिलना नहीं, यहाँ x स्क्वायर ही, और हर पद में गुणा होगा तो x स्क्वायर का गुणांक, और आगे पावर बढ़ती जाए, समझ में आया क्या x का गुणांक। अब x स्क्वायर का गुणांक, हाँ ये 10 थ्री जो 30x स्क्वायर, 30 10 3 30x, ठीक है, और इधर आगे वाली टर्म में एक्स स्क्वायर का इंटू ये 2 का स्क्वायर 4 में होगा 45 इंटू 4, समझ में आया क्या, सबको समझ में आया एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स का इंटू इसमें करोगे तो एक्स स्क्वायर तो 10 3 30 हो गया, इधर 45 एक्स स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर ओपन किया 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 12x, तो 45 इंटू 4 एक्स स्क्वायर का गुणांक, केवल एक्स स्क्वायर का गुणांक चाहिए, आगे के सारे पदों में एक्स क्यूब आएंगे, एक्स क्यूब या उससे और हायर पद आएंगे, हायर टर्म आएंगे, हायर पावर टर्म आएंगे, 30 प्लस 210 सबको समझ में आया क्या, एक्स वाई एक्स स्क्वायर का गुणांक कैसे निकाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड एप्लीकेशन पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सबका कंप्लीट हो गया, यस सर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन टू, वन प्लस 3x माइनस 2x क्यूब होल पावर 10 के प्रसार में x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए, है ना, बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा, 1 प्लस 3x माइनस 2x क्यूब होल पावर 10 3 माइनस 2x, ठीक है, तो 10 सी 0 1 नहीं लिख रहा मैं, 10 सी 1 x 3 माइनस 2x, समझ में आया सबको, प्लस 10 सी 1 वाली टर्म नहीं लिख रहा हूँ, x माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी है, तो इसको लिखना पड़ेगा आगे तक, क्योंकि हमें कोफिशिएंट किसका चाहिए, x की पावर 5 का, x की पावर 5 तक लिखना पड़ेगा, 10 सी 3 x क्यूब 3 माइनस 2x होल स्क्वायर होल क्यूब प्लस 10 सी 4 x 4 3 माइनस 2x स्क्वायर होल पावर 4 10 सी 5 x 5 यहाँ तक लिखना पड़ेगा, समझ में आया कि सभी को। अब देखो x टू दी पावर 5 का गुणांक पहले पद में तो है नहीं, x टू दी पावर 5 है ना, पहले पद में नहीं, दूसरे में भी नहीं आना है, तीसरे में आ सकता है क्या, देखो x स्क्वायर है और यहाँ हम x, फिर x की पावर x स्क्वायर की टर्म आएगी, 4 हो जाएगा, फिर 2ab x 4 और 2 6, इसमें भी नहीं आना, x की पावर 5 नहीं आ रहा है, पहले तीन पदों में आ ही नहीं रहा, चौथे पद में देखें
तो देखो ध्यान से, ये एक्स क्यूब तो है ही है, इधर होल क्यूब ओपन करें तो ए स्क्वायर नहीं ए क्यूब है ना, एक्स क्यूब तो है ही, होल क्यूब ओपन करोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्यूब मतलब टू टू जो फोर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो ये तो सेवन हो गया, प्लस टू ए बी सॉरी माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, यही वाली टर्म मिल रही है देखो एक्स फाइव, प्लस थ्री ए बी स्क्वायर है ना, तो ये तो एक्स टू दी पावर सेवन, ये वाली टर्म आ गई, समझ में आया क्या? तो एक्स क्यूब टेन सी थ्री है ही, आगे आगे माइनस थ्री इंटू नाइन इंटू टू एक्स फाइव, समझ में आया क्या? थर्ड टर्म में ये एक टर्म मिली जिसमें एक्स की पावर फाइव, जो कि एक्स की पावर फाइव का गुणांक है, इसमें जो मैंने लिखा इसमें एक्स टू दी पावर फाइव की टर्म आ रही है तो उसका गुणांक मैंने लिख दिया। क्या ये सबको समझ में आया? टेन सी थ्री इंटू माइनस थ्री इंटू नाइन इंटू टू, राइट। अब नेक्स्ट टर्म टेन सी फोर, ये इसमें एक्स की पावर फोर है ही, एक्स टू दी पावर फोर है ही, इसको पावर फोर कैसे ओपन करें? पावर फोर फिर से बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड कर दें। तो देखो अब ध्यान से देखना, इसमें आने वाला है नहीं, क्योंकि x की पावर 5 के लिए x का टर्म आना चाहिए, x क्यूब का टर्म आएगा ही नहीं, या तो x की पावर 0 का टर्म आए, मतलब इसकी 1 कांस्टेंट टर्म आएगा, या फिर स्क्वायर या पावर 4 या 6 वाले टर्म आएंगे, तो इसमें मिलना नहीं। बात समझ में आ गई क्या सबको? तो ये लिखने का कोई मतलब नहीं था, समझ में आया क्या? अब इसमें जरूर मिलना है, टेन सी फाइव कॉन्स्टेंट टर्म मिलेगी तो x की पावर 5 का इंटू होगा, कॉन्स्टेंट टर्म मिलेगी 3 की पावर 5, समझ में आया क्या? कैसे इसमें फिर से बाइनोमियल थ्योरम लगा दी, तो 5c 0 3 की पावर 5 यही कॉन्स्टेंट टर्म है, बाकी सब में तो x स्क्वायर आएगा, समझ में आई क्या बात? तो ये 3 की पावर 5 81, बस इसको कैलकुलेट करना है, 9 टू जा 18 3 जा 54 टेन सी थ्री, अलग से लिख लेता हूँ मैं, तो फैक्टोरियल 10 10 9 8 7 गया 3 3 2 जो 6 3 3 जो 9 2 4 जो 8 120 प्लस टेन सी फाइव भी कई बार निकाल चुके हैं अपन, 8 3 की पावर 5 कितना होता है 243 इंटू तो करना पड़ेगा, फैक्टर 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 तो 4 टू जा 8 3 टू जा 6 तो कितना आ गया 90 इंटू 14 है ना, ये 10 9 जा 90 इंटू 14 नहीं नहीं 5 भी है ना नीचे, 2 9 जा 18 18 18 इंटू 14 14 8 जा 112 252। अब देखो इनटू तो करना पड़ेगा, कर लो 0 12 4 जा 48 4 12 5 जा 60 64 प्लस, अब ये इनटू तो करें और क्या करें, 3 2 जा 6 3 5 जा 15 कैरी 1 3 2 जा 6 1 7 4 2 जा 8 4 5 जा 20 2 4 2 जा 8 और 2 10 फिर 2 2 से 2 2 जो 4 2 5 जो 10 2 5 जो 10 1 6 ठीक है क्या, 1 1 1 2 3 6 में से 6 4 8 0 माइनस, तो फाइनल आंसर लिखने की तैयारी 6 13 में से 8 गया 5 11 में से 4 गया 7 10 में से 6 गया 4, कैलकुलेशन सही है क्या? ये 112 आना चाहिए था, कहाँ मिस्टेक है? हाँ ये मिस्टेक है ना लास्ट टर्म, ये यहाँ पे फिर से कर लेते हैं इसको, 2 2 जो 4 2 5 जो 10 कैरी 1 2 2 जो 4 1 5 है ना, 6 13 कैरी 1 12
ठीक है 61236 में से 6480 घटाओ, 6 11 13 में से अब 8 गई 5, 11 में से 4 गई 7, 10 10 में से 6 गया 4 और ये 5, ये आंसर। सबको समझ में आया क्या कैसे कैलकुलेट किया है? चलिए करें फटाफट, जल्दी से करें, एक क्वेश्चन और करते हैं इस पैटर्न पर, इस एप्लीकेशन पर। हो गया सभी का, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उदय क्या बोल रहे हो? हो गया कंप्लीट सभी का? अच्छा ये यहाँ पर टम, ओके ओके समझ गया, 61236 लिखना है ना, ये जो आया था वो लिखना, ओके ठीक है, कंप्लीट सभी का? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वन प्लस एक्स टू द पावर 41 इंटू वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 40 के प्रसार में एक्स टू द पावर 50 का गुणांक ज्ञात कीजिए। एक्स टू दी पावर 50 का गुणांक ज्ञात कीजिए। हाँ तो देखें ध्यान से, वन प्लस एक्स की पावर अलग, एक एक्स अलग कर लिया तो वन प्लस एक्स की पावर 40 और आगे भी ये है इसकी पावर भी 40, समझ में आया? ऐसा क्यों किया, ये एक आइडेंटिटी बन गई, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, किसी को कोई डाउट? अब इसको ऐसा कैसे लिखो और इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, 40C0 माइनस 40C1 x³ प्लस 40C2 x⁶ माइनस 40C3 x⁹। समझ में आ रहा है क्या, थ्री के मल्टीपल चल रहे हैं, तीन के गुणक चल रहे हैं, ठीक है तो 40C4 x⁻² है ना, तो कब तक लिखेंगे? ठीक है अब देखो, कोफिशियंट मतलब गुणक ऑफ एक्स टू दी पावर 50 इक्वल टू, अच्छा हाँ मिस्टेक, बी आइडेंटिटी जो थी वो ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ओके तो मैंने बाय मिस्टेक माइनस लिख दिया था, इसलिए मैं सब जगह प्लस कर देता हूँ, राइट। अब हाँ अब एक्स की पावर 50 का गुणांक, तो देखो वन का इंटू करूं मैं तो x की पावर 50 का ही पद मिलना चाहिए, और आपको दिख रहे हैं ये जो पद आ रहे हैं वो 3 के गुणज है, तो x की पावर 50 जो 50 है 50 है वो 3 का गुणज है ही नहीं, तो आएगा ही नहीं। फिर इधर x में x की पावर 50 तो x की पावर 49 मिलना चाहिए कहीं,
49 भी x की पावर 49 मतलब 49 भी 3 का गुणज नहीं है, मतलब मैं जितने भी पद है उनमें 1 का इंटू करूंगा तब भी x की पावर 50 नहीं बनेगा, और बचे हुए और फिर जितने पद है उनमें x का भी इंटू करूंगा तब भी x की पावर 50 नहीं बनेगा, सो आंसर विल बी 0। क्या ये सबको समझ में आया, क्या कैसे किया? x की पावर 50 का गुणांक आएगा ही नहीं, x की पावर 50 वाला पद नहीं होगा इसके प्रसार में। हो गया क्या सभी का, समझ में भी आ गया सभी को? यस सर। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन पर आते हैं। हमने ये सेकंड एप्लीकेशन में हमने 1 प्लस ए एक्स टू द पावर ए प्लस बी एक्स टू द पावर बी के की पावर एन के प्रसार में हमने पर्टिकुलर गुणांक निकाला एक्स की पावर आर का गुणांक। चलिए नेक्स्ट एप्लीकेशन पर आते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी दी गई गुणोत्तर श्रेणी, कोई गुणोत्तर श्रेणी टाइप का एक्सप्रेशन दिया है जो गुणोत्तर श्रेणी बन रही है उसमें x की पावर r का गुणांक फाइंड करना है। x टू द पावर r का गुणांक ठीक है तो क्वेश्चन सही करेंगे। वन प्लस एक्स टू द पावर एम, वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस वन, वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस टू, वन प्लस एक्स टू द पावर एन, जहां एम का मान क्या है लेस देन और इक्वल टू एन में x टू दी पावर m का गुणांक ज्ञात कीजिए। x टू दी पावर m का गुणांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझ में आया, देखो ध्यान से। क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या सभी को? हाँ, तो अपन करते हैं। गुणोत्तर श्रेणी है ये दिख रही है क्या सीरीज? सीरीज गुणोत्तर श्रेणी भी है ये भी हमें दिख रहा है। ठीक है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन फिर से। इसको क्या है क्वेश्चन, वन प्लस एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन नहीं। वन प्लस एक्स टू द पावर एम, वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस वन, वन प्लस एक्स टू द पावर एम प्लस टू। मुझे ये बताएं ये गुणोत्तर श्रेणी है तो इसमें कितने पद, या एक एम का मान एन से छोटा है बराबर, तो या एक काम करें आप वन प्लस एक्स की पावर एम कॉमन ले लें फिर बता दें, अब थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है समझ में आया क्या किया मैंने, कॉमन लिया तो। हाँ पदों की संख्या बताएं, वन प्लस एक्स की पावर जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो वन टू एन माइनस एम तक गया है, तो जीरो से स्टार्ट हुआ तो पदों की संख्या एन माइनस एम प्लस वन होगी। बात समझ में आ गई क्या, पदों की संख्या n माइनस एम प्लस वन होगी
क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो वन टू से लेकर एन माइनस एन तक, जीरो से लेकर फाइव तक जाए तो छह पद होते हैं। बात समझ में आई कैसे भी को यहां तक? अच्छे से चलिए। तो गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों के योग का सूत्र क्या होता है? ए आर टू दी पावर एन, एन है यहाँ पर पदों की संख्या, ये माइनस वन, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। क्या कोई डाउट किसी को? है ना, एस एन ए आर टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन आर, राइट? तो नीचे तो x बचा, तो ऊपर इंटू कर दिया, तो देखो n इसका इसमें इंटू होगा तो m से m कैंसिल, तो क्या बचेगा, पावर क्या बचेगी, n प्लस वन, और आगे माइनस वन माइनस x की पावर m, और दोनों के अपॉन में x है। बात समझ में आ गई? किसका गुणांक निकालना है? x की पावर m का गुणांक। तो देखो x की पावर m का गुणांक है और हमें किससे भाग देना है, नीचे x से भाग देना है, तो x की पावर m प्लस वन का गुणांक निकालू। हाँ तो देखो इसका प्रसार जब हम करते हैं इस, जस्ट मिनट, जब हम ये वन प्लस x की पावर n प्लस वन का प्रसार करोगे तो कैसे चलेगा ये n प्लस वन सी जीरो प्लस n प्लस वन सी वन की पावर x, सी वन एक्स प्लस एन प्लस वन सी टू एक्स स्क्वायर, जैसे ही चलते जा रहा तो x की पावर m का गुणांक कहाँ मिलेगा, n प्लस वन सी एम एक्स की पावर m, लेकिन x की पावर m थोड़ी चाहिए, अब क्यों नहीं चाहिए, अपॉन x से डिवाइड भी तो करना, तो x की पावर m प्लस वन का गुणांक चाहिए। समझ में आया क्या? x की पावर m का गुणांक चाहिए, इसका मतलब x की पावर m प्लस वन का गुणांक काय में, ये जो एक्सप्रेशन है वन, इसमें x की पावर m का गुणांक चाहिए, मतलब 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 प्लस x की पावर m में x टू दी पावर m प्लस 1 का गुणांक। रीजन समझ गए ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि इस व्यंजक में न्यूमरेटर अंश अंश में अगर मैं x की पावर m प्लस 1 का गुणांक निकालूंगा तो उसको फिर x से भाग दूंगा तो काय का गुणांक बचेगा, x की पावर m का गुणांक बचेगा। क्लियर? तो अब इसमें x की पावर m का गुणांक मैं निकाल चुका हूं, x की पावर m का गुणांक n प्लस वन सी x की पावर m प्लस वन का गुणांक ये रहा, n प्लस वन सी m प्लस वन। बात समझ में आई क्या सबको? n प्लस वन सी m प्लस वन। अब इसकी बात करें, हाँ क्या चीज रिपीट करूं, ध्यान से सुने, हमने जो एक्सप्रेशन दिया था उसमें जीपी लगा के सॉल्व करके यहां तक लाए, ठीक है। अब इसमें मुझे गुणांक किसका निकालना है, एक्स की पावर एम का गुणांक, तो जो भी आएगा उसको एक्स से भाग दे के बनेगा ना वो एक्स की पावर एम का गुणांक, तो एक्स की पावर एम प्लस वन का गुणांक निकालें, उसको x से जब भाग देंगे तो x की पावर m का गुणांक बनेगा, इसलिए मैंने इसके 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 में काय का गुणांक निकाला, m प्लस वन का, उसको x से भाग देंगे तो x की पावर m का गुणांक बन जाएगा, तो x की पावर m प्लस वन का गुणांक ये आया n प्लस वन माइनस एम सी वन, किसमें, इसमें। अब इसमें हाईएस्ट पावर ही x की पावर m आएगी तो उसमें x की पावर m प्लस वन का गुणांक मिलेगा ही, तो ये आंसर हो गया। उदय समझ में आया क्या मैंने क्या बोला है? Yes, ललित समझ में आया आपको? ललित राठौर, जानकी समझ में आया? हो गया, चलिए नोट कर दिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं इसी पैटर्न पर। हो गया सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
वन प्लस एक्स टू दी पावर वन, वन प्लस एक्स टू दी पावर टू, वन प्लस एक्स टू दी पावर एन के प्रसार में एक्स की पावर आर का गुणांक ज्ञात कीजिए, के प्रसार में एक्स टू दी पावर आर का गुणांक ज्ञात कीजिए, जहां आर का मान जीरो से लेकर एन के बीच में है ना। ये हम ये जो हमने गुणोत्तर श्रेणी वाली एप्लीकेशन की, ये सेकंड एप्लीकेशन है ना। फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सी थी? विभाज्यता, विभाज्यता व शेषफल से संबंधित प्रश्न, और ये सेकंड एप्लीकेशन, ये थर्ड थी आई थिंक है ना, क्योंकि सेकंड तो ये थर्ड है, थर्ड है ना, थर्ड है, थर्ड एप्लीकेशन। चले करें, कर सकते हैं ना, बिल्कुल पिछले लास्ट क्वेश्चन जैसे। ये जीपी है, ये गुणोत्तर श्रेणी है, कितने पदों की गुणोत्तर श्रेणी? एन प्लस वन पदों की गुणोत्तर श्रेणी। तो फॉर सम का योग का सूत्र लगाएं, ए आर टू दी पावर एन प्लस वन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, वन से वन कैंसिल, वन प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, राइट। अब देखो वन अपॉन एक्स में तो है नहीं कहीं एक्स की पावर आर का गुणांक, इसमें चाहिए, तो अब एक्स टू दी पावर आर का गुणांक अगर हमें निकालना है पूरे में, तो इस व्यंजक में किसमें, ये पूरे में इसमें चाहिए एक्स की पावर आर का गुणांक, किसमें चाहिए एक्स की पावर, इसमें चाहिए एक्स टू दी पावर आर का गुणांक, तो ये पद में तो है ही नहीं। इसमें एक्स जो अंश है, अंश में जो एक्स की पावर आर प्लस वन का गुणांक आएगा उसको एक्स से भाग देंगे तो एक्स की पावर आर का गुणांक बचेगा, का मतलब हो गया एक्स की पावर किसमें, एक्स की पावर आर प्लस वन का गुणांक, वन प्लस एक्स टू दी पावर एन प्लस वन में एक्स टू दी पावर आर प्लस वन का गुणांक जो भी आएगा उसको एक्स से भाग देंगे तो एक्स की पावर आर का गुणांक बचेगा। तो बस इसमें लगा लो एन प्लस वन सी आर, एन प्लस वन सी आर आएगा, एक्स की पावर आर प्लस वन का गुणांक चाहिए ना, तो एन प्लस वन सी आर प्लस वन, क्योंकि इसका एक्सपांड करना आता है सभी को, एन प्लस वन सी जीरो प्लस एन एन प्लस एन प्लस वन सी वन एक्स प्लस एन प्लस वन सी वन एक्स प्लस एन प्लस वन सी टू एक्स स्क्वायर, ऐसे ही चलते जा रहा है। तो एक्स की पावर आर का गुणांक कब मिलेगा? एन प्लस वन एक्स की पावर आर प्लस वन का गुणांक ये मिलेगा जब नीचे भी आर प्लस वन हो। समझ में आया कि सभी को? क्लियर। चलिए फोर्थ एप्लीकेशन पर आते हैं। हो गया ये कंप्लीट? यस सर, है ना। फोर्थ एप्लीकेशन पर आते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन में किसी संख्या में घातों के रूप में कोई संख्या दी है, उसकी इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़े के अंक से संबंधित प्रश्न, घातांक रूप में दी गई संख्या में इकाई दहाई व सैकड़े का अंक ज्ञात करना, इकाई दहाई या सैकड़े का अंक ज्ञात करना,
अंक ज्ञात करना, इसी को क्या बोले अंत, लास्ट में, अंत में, अंतिम डिजिट, अंतिम दो अंक संख्या में अंतिम अंक है ना, कोई भी संख्या आई उसका अंतिम अंक अपने लास्ट डिजिट, अंतिम दो अंक वही सेकंड दहाई का अंक, इकाई और दहाई दोनों अंक हो गए, वह अंतिम तीन अंक ज्ञात कर। वह अंतिम तीन अंक ज्ञात कर। वह अंतिम तीन अंक ज्ञात कर। समझ में आया क्या? है ना, क्वेश्चन से ही करना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है कि इसका आंसर द्विपद प्रमेय से ही निकाला जाए, पर जब किसी भी संख्या के आखिरी के अंक ज्ञात करना होते हैं, मतलब पहले इकाई का अंक तो आसानी से किसी और मेथड से भी ज्ञात हो जाता है, लेकिन जब लास्ट के दो अंक ज्ञात करना हो या आखिरी के तीन अंक, तो फिर द्विपद प्रमेय लगाना ही पड़ती है, है ना। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं, जो साइक्लिसिटी बोलते हैं उससे भी कर सकते हैं कि किस पावर पे एंड होता है, 2 की पावर 3 की पावर 4 संख्या 2 की पावर 3 की पावर 4 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, है ना, मतलब अंतिम अंक ज्ञात कीजिए, ऐसे ही कर सकते हो, करो, ऐसे ही बता सकते हो आप 2 की पावर 3 की पावर 4। इकाई का अंक दीपक 6 कैसे आएगा? 2 की पावर 3 की पावर 4 का क्या मतलब है? 2 की पावर 81, 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। 2 की पावर 81 का इकाई का अंक 2 ही आएगा, 2 की घात कुछ भी करो, नहीं ऐसा कुछ भी तो नहीं। 2 की पावर 1 साइक्लिसिटी से देखो 2 आता है, 2 की पावर 2 4 आता है, 2 की पावर 3 8 आता है, 2 की पावर 4 16 आता है, 2 की पावर 5 फिर रिपीट हो जाता है इकाई का। समझ में आया? इकाई का अंक फर्स्ट 4 पावर के बाद रिपीट हो जाता है, तो 2 की पावर 4 × 20 × 2, तो 2 की पावर 80 जो है उसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 6, और फिर 81 है तो 2 का और इंटू होगा, तो 2 6 12, फाइनली इकाई का अंक क्या आएगा? 2 ही आएगा। समझ में आया क्या क्वेश्चन? सबको समझ में आया कैसे किया? हाँ, द्विपद प्रमेय से, हाँ फिर से बता रहा हूं नयन, 2 की डिफरेंट पावर निकाली, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 इकाई के अंक पर फोकस किया, 2 की पावर 4 16 होता है, मैंने 6 लिखा था क्योंकि इकाई के अंक, अब उसके बाद की पावर रिपीट होंगी, 2 की पावर 5 32 में 2 आएगा, 2 की पावर 6 64 4 देखो रिपीट हो रहा है 4, 2 की पावर 7 128 देखो रिपीट हुआ 8, तो आप 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर के इकाई के अंक ये आते हो, फिर रिपीट होती जाती है, तो 2 की पावर 80 का मतलब हो गया कि 20 मल्टीपल है, 2 की पावर 4 का 20 मल्टीपल है, तो 2 की पावर हर 4 में 2 की पावर 4 5 6 7 तो रिपीट होगी, 2 4 8 2 4 8 16, तो 2 की पावर जो 80 है वो कहाँ पे एंड होगा? 6 पे, 4 का 20 मल्टीपल्स है, 4 की 2 की पावर 4 × 20 6 में एंड होगा, लेकिन 2 की पावर 81 है ये, तो इंटू 2 और करना पड़ेगा, तो 6 × 2 12 आ जाएगा,
तो कहाँ एंड होगा वो यूनिट डिजिट, कहाँ एंड यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 होल पावर 4 में? हो गया सभी का? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इलेवन टू दी पावर 50 में संख्या 11 to the power 50 में अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए। अंतिम 3 अंक ज्ञात की है ना। तो देखो 11 की पावर कोई सी पावर, लास्ट का अंक तो कोई भी बता देगा, लास्ट का अंक 1 आएगा। 11 की पावर कोई सी, 11 के पावर में कोई भी नंबर ले, एंड तो वो 1 पे ही होगा, लेकिन अब बाद के दो डिजिट के लिए है ना। तो अपन देखो इसको 11 की पावर 50 को अगर ऐसा लिखें, 1 plus 10 to the power 50 लिख सकते हैं। द्विपद प्रमेय लगा दे, 50C0, 1 की पावर 50, 10 की पावर 0, है ना, चलते जा रही। 50C50, 1 की पावर 0, 10 to the power 50। ये बात समझ में आई क्या सबको? अब अंतिम 3 अंक निकालना है, अंतिम 3 अंक। तो देखो इसको मैं, ये तो मैंने लास्ट डिजिट लिखा है, मुझे एक्चुअली इसको फिर से लिख देता हूँ मैं, 10 की ऐसे 1 हटा देता हूँ, 10 है ना, 50C2 वन, क्योंकि 1 की पावर एनी नंबर 1 ही होता है, 10 square। इसी तरह अंतिम 3 अंक चाहिए, तो 50C3 10³, 50C4 10⁴, 50C50 10 to the power 50। यहां से यहां तक इतने देखो आप ध्यान से, 50C01 होता है, 50C150 होता है इनटू 10, 50C2 में निकाल लेता हूँ, 50 into 49, 48 गया, 2 into 10 square 100, और आगे इतनी हर टर्म में 10 का क्यूब कॉमन, 10 क्यूब कॉमन, मतलब 50C3, 50C4 into 10, 50C50, 10 to the power 47, 1 plus 500, तो कितना हो जाएगा, 3, 2 0 दिख रहे हैं, और क्या होगा, 5 5 जा 25, 49 into 25, 25 9 जा 225, 20 25 4 जा 100, 120, ठीक है। प्लस आगे क्या आएगा, 1000 का मल्टीपल 1000 का गुणज, तो अब इन तीनों को जोड़ ले हम, तो 1501 1003 1000 के 1000 के गुणांक, तो 1000 लिखा आगे और बहुत जीरो है आगे,
और इसके है ना जीरो जीरो कितने भी, और अंतिम तीन अंक है आपके वन, इसमें जिनको जोड़ना है जीरो जीरो थ्री। तो वन जीरो, ये जीरो ही है, जीरो ये जीरो है, थ्री आएगा, लेकिन हमें अंतिम तीन अंक चाहिए। अंतिम तीन अंक क्या क्या आ गए अंतिम तीन अंक, समझ में आया क्या? एप्लीकेशन समझ में आई सभी को? चलिए नोट करिए, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी का। हो गया क्या सभी का? सभी का कंप्लीट? आ जाए नेक्स्ट स्लाइड पर। 17 टू द पावर 256 में अंतिम तीन अंक ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या लिखोगे? 17 स्क्वायर 128 लिख सकते हैं सर। इसको 17 स्क्वायर को 289, 289 को लिखा मैंने 290 माइनस 1 120। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं ऐसा। अब बाइनोमियल थ्योरम लगाओ। 128 C0, 290 टू द पावर 0 माइनस वन, नहीं 290 टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं, 128 भी लिख सकते हैं, जो आपको लिखना हो। 128 माइनस 1 टू द पावर 0, 128 C1, 292 टू द पावर 127 माइनस 1 की पावर 1, 128 C2, 1290 टू द पावर 126 माइनस 1 स्क्वायर। इसी तरह चलते जा रहे हैं आइटम। 128 C 128, 290 टू द पावर 0 माइनस 1 टू द पावर 128। ठीक है, तो मैं इसी को प्रॉपर वे में लिख देता हूं, और ये माइनस 128 C 0, 290 टू द पावर 128 ये हटा दिया, माइनस 1 टू माइनस 128 C1, 290 टू द पावर 127 है ना, इसी तरह 128 C 126, 290 टू द पावर 128 माइनस 126 सब्ट्रैक्ट किया 2, और माइनस 1 की पावर 126 प्लस आएगा, माइनस 128 C 127, 290 और माइनस 1 है ना, फिर 128 C 128। समझ में आया क्या यहां तक सबको? तो देखो ध्यान से, इसके जस्ट पहले वाला एक टर्म और लिखना चाहिए था अपने, कौन सा? 128 C 126
290 का क्यूब और माइनस में आता वो पता है। है ना, माइनस में आता वो, समझ में आया क्या? तो अब ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक 290 का क्यूब नहीं है बेटा, शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। नयन ने आंसर सही बताया, उसके पहले जिन्होंने बताया भैया 125 आना चाहिए, सॉरी वन यहां आएगा 125। हाँ, अब ऐसे यहां तक क्यों लिखा, क्योंकि अंतिम तीन अंक बताना है और 290 का क्यूब तो 1000 कॉमन आ जाएगा सब में से, 1000 टाइम्स ऑफ के, ये यहां से यहां तक 290 का क्यूब, लास्ट में 3 0 आएंगे, 1000 कॉमन निकल आया, इसलिए किया बस। अब आगे इनको सॉल्व करो, 128 इंटू 127 6 गया, बचा आगे आपका 2 और ये 290 29 का स्क्वायर 841, 128 इंटू 290 प्लस 1, है ना, ये 1000 टाइम्स ऑफ के, और के क्या है पूर्णांक है, प्लस अब इंटू तो करना ही पड़ेगा, 264 या अंतिम दो अंक तो ये आ गए, 4 7 28 हो गया, 28 का 1 में इंटू 8, बाकी मैं पूरे लिख नहीं रहा हूँ, माइनस, समझ में आया ना, पूरे अंक नहीं लिखे मैंने, तीन अंक लिखे हैं बस आखिरी के, 128 इंटू 90 तो ये 0 और 128 इंटू 29 और कर लो, 9 8 72 7, 9 2 18 7 25 2, 9 1 9 2 11 256, तो आखिरी के अंक 2 5 6 11 कैरी 1 5 6 1 7, है ना, आखिरी के चार अंक लिख दिए और प्लस 1। तो अब क्या करें, ये तो प्लस में है, 801 हो गया, आखिरी के अंक हो गए ये 801, समझ में है ना, ये 1000 ये 801, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 120, आखिरी के तीन अंक लिखे मैंने, 7 भी छोड़ दिया, 12, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, चेक करें, थाउजेंड के 128 इंटू 1 8 4 1 इंटू 64 इंटू 127 4 7 28 8 1 8, है ना, ये प्लस में है, चेक करो जरा, यही आ रहा, माइनस ये इंटू सही किया इधर 2 5 6 11, ये 10 का ये 10 है, 2 5 6 11 2 1, हाँ कैलकुलेशन देखें, वन 27 इंटू 64 इंटू 841 ना, कैलकुलेशन पे फोकस करें थोड़ा, लास्ट में तो 80 आएगा और इधर इसमें भी देखें नेक्स्ट टर्म में 128 इंटू 290 इसमें भी सही लिखा अपन ने 7 1 2 0, फिर सब गलती कहाँ कर रहे हैं, 801 आखिरी में 801 और इधर 120 1 10 में से 2 गया 8, सब्ट्रैक्ट रॉन्ग कर रहे थे, 7 में से 1 गया 6, सही किया, क्या आ गए, आएंगे अंतिम तीन अंक 681, ठीक है, अंतिम तीन अंक 681, समझ में आया कि सभी को,
तो ये एप्लीकेशन समझ में आई। चार एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं अपन, एक और एप्लीकेशन देखते हैं। हो गया क्या सभी का यहाँ तक? कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन पर आ रहे हैं, फिफ्थ, सममित फलन। तो अलग अलग तरीके से हम प्रसार करेंगे और प्रसार सेम ही आएगा, उसी को सममित फलन बोल रहे हैं हम, सिमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। ये कंसेप्ट कहीं यूटिलाइज हो सकता है इसलिए बता रहे हैं। सिमेट्रिक फंक्शन देखें, वन प्लस एक्स की पावर एन का प्रसार करना आता है, द्विपद प्रसार, एन सी जीरो, वन की पावर में लिख नहीं रहा हूँ, एक्स की पावर जीरो आएगा, जो कई बार प्रसार कर चुके हैं, थोड़ा सा याद हो जाएगा हमें। ये समझ में आया कि द्विपद प्रसार कैसे लिखा, कैसे वन की पावर पहली टर्म में एन सी जीरो, वन की पावर एन और एक्स की पावर जीरो लिखा ही नहीं, वन की पावर एन वन होता है, एक्स की पावर जीरो वन होता है, एन सी वन एक्स की पावर वन, एक्स की पावर एन माइनस वन आना था वैसे, तो मैंने एक्स प्लस वन लिख दिया, आगे पीछे कर दिया, उसको क्या फर्क पड़ता है, समझ गए क्या? वन की जगह एक्स कर दिया, एक्स की जगह वन कर दिया, तो ये एक एक्सपांशन है जो हम अब डायरेक्ट लिख लिया करेंगे। ये समझ में आया कि द्विपद प्रसार है, वन प्लस एक्स की होल पावर एन, समझ में आया ना? मैंने एक्स की एक्स प्लस वन कर लो आप, तो आपको वो वाला फॉर्म मिल जाएगा जो आप अप्लाई कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको एक्स से को अगर एक बटे एक्स से रिप्लेस कर दें इसमें, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स, क्या किया, एक्स की जगह जहां भी एक्स था उसकी जगह वन बाय एक्स कर दिया, एक्स की जगह वन बाय एक्स कर दिया, एक्स की जगह वन बाय एक्स कर दिया, ठीक है। तो अब और यहां तो वन था, तो एलसीएम ले लिया, तो एक्स प्लस वन होल पावर एन और अपॉन अपॉन में एक्स की पावर एन भी आया, एन सी जीरो, एन सी वन वन बाय एक्स, एन सी टू वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस एन सी एन वन बाय एक्स एन। बात समझ में आई क्या? अब एक्स की पावर एन का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, एन सी जीरो एक्स एन प्लस एन सी वन एक्स एन माइनस वन प्लस एन सी टू एक्स एन माइनस टू, है ना, प्लस एन सी एन। तो आप देखो ध्यान से, समीकरण एक और दो सर्वसम है, एक ही चीज है। और अगर एक्स वन प्लस एक्स की पावर एन का आप कैसे प्रसार करते, तो यही आता, एन सी जीरो एक्स एन प्लस एन सी वन एक्स एन माइनस वन प्लस एन सी टू एक्स एन माइनस टू, वन की पावर जीरो, वन की पावर कुछ भी हो वन होते जा रहा है ना। समझ में आया क्या ये सममित फलन का मतलब? अगर x को 1 बाय एक्स से रिप्लेस करके किया तब भी वही, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही थी ना दोनों में, तो राइट हैंड साइड भी इक्विवेलेंट ही होगी। हो गया क्या सभी का? तो मैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट इक्वेशन से जिस एक्सपांशन को रिप्रेजेंट किया वो भी लिख सकता हूँ, सेकंड एक्सपांशन से जिस सेकंड एक्सप्रेशन से सेकंड इक्वेशन से जिसको रिप्रेजेंट किया वो भी जरूरत पड़ने पर वैसा प्रसार भी कर सकता हूँ, दोनों एक ही बात, ठीक है।
हो गया कंप्लीट। कंप्लीटेड, सभी का कंप्लीट हो गया। उदय, जानकी, सुरेश, यस सर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है द्विपद गुणांकों के गुण, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल कोफिशिएंट्स। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि द्विपद गुणांक किसे बोलते हैं। ऑलरेडी पहले दिन ही बता दिया, जैसे 1 प्लस एक्स की होल पावर एन को हम एक्सपांड करते हैं तो एन सी जीरो एक्स एन प्लस एन सी वन एक्स एन माइनस वन प्लस एन सी टू एक्स एन माइनस टू एन सी एन एक्स एन, राइट। या फिर ये वाला प्रसार भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कौन सा एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स। अब हम जनरली यही लिखा करेंगे जो सेकंड नंबर पे लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट अभी पढ़ा एन सी एन एक्स एन, ये रॉन्ग लिख दिया था, एक एक पावर कम होते जा रही है। बोथ आर इक्विवेलेंट, एक्स प्लस वन भी लिख सकते हैं बोथ आर से। तो ये जो आपने एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री एन सी एन को द्विपद गुणांक कहते हैं, जहां ये लिखा द्विपद गुणांक क्या है, ये द्विपद गुणांक एन सी एन। अब ऊपर एन होता है एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री, पावर एन है ना इधर ये वन, तो एन ना लिखते हुए एन नहीं भी लिखे तब भी उनको हम शॉर्ट नोटेशन सी जीरो सी वन सी टू सी एन द्विपद गुणांकों को इनसे भी दर्शाते हैं। द्विपद गुणांकों को एन सी जीरो सी जीरो सी वन सी टू सी एन से भी दर्शाते हैं। समझ में आया, ऊपर नहीं लिखा, ऊपर सी के ऊपर कुछ दर्शाया नहीं है, मतलब अंडरस्टूड है क्या है वहां पर एन है। जैसे सी फाइव लिखा है मतलब क्या है वो एन सी फाइव, क्लियर। बात समझ में आ गई सभी को, तो हम फर्स्ट फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख रहे हैं इसकी, सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी एन इक्वल्स टू 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 द पावर एन। फर्स्ट प्रॉपर्टी सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस एन सो ऑन अप टू सी एन इक्वल टू 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 द पावर एन। कहां से आई ये प्रॉपर्टी, हम जो कितने भी तरीके से प्रूव कर सकते हैं, जैसे x प्लस वाई आपकी पावर n प्रूव कर रहे हैं। प्रसार लिखें एन सी जीरो, तो मैं सी जीरो ही लिख रहा हूं, मतलब तो एन सी जीरो ही है उसका, एक्स एन है ना, n भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, एन सी वन एक्स एन माइनस वन वाई टू दी पावर वन, एन सी टू एक्स एन माइनस टू वाई की पावर टू, एन सी एन एक्स टू दी पावर जीरो वाई टू। समझ में आया। अब मैं x और y दोनों को वन रख दूं अगर, तो क्या आ गया टू टू दी पावर n, इसमें वन रख दिया, और c जीरो x और y को तो वन रख दिया, प्लस c वन प्लस c टू प्लस c। क्या ये सबको समझ में आई क्या बात, कैसे प्रूव किया? प्रूफ समझ में आया क्या? फर्स्ट प्रूफ द्विपद गुणांकों के गुण में पहला गुण कैसे प्रूव किया, सी जीरो प्लस सी वन प्लस सी टू एंड सो ऑन अप टू सी एन इक्वल टू 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 द पावर है। समझ में आया क्या पहला गुण?
क्या बोल रहे हैं भाई, एक्स वाई के रिप्लेस पे वन लिख सकते हैं, बिल्कुल भाई, वन क्या टू थ्री कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने को पहली पहली प्रॉपर्टी लाना थी इसलिए वन लिखा है, कुछ भी लिख सकते हैं अपन भाई, द्विपद प्रसार कर रहे हैं तो थ्री फोर फाइव जो लिखना हो वो लिख भाई, द्विपद प्रसार ऐसे ही तो करते हैं, एक्स और वाई की जगह थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एट ले लिया, वाई की जगह वन बाय एट ले लिया, समझ में आया क्या बच्चों? अब ये जो प्रॉपर्टी तो प्रूव कर दी, इसका एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस भी है, ये C0, C1, C2, C3, CN ये सब क्या है, द्विपद गुणांक है, तो ये इस प्रॉपर्टी से क्या मिलता है, द्विपद गुणांकों का योग, क्या मिलता है इस प्रॉपर्टी से, द्विपद गुणांकों का योग, और द्विपद गुणांकों का योग मिलता कैसे, एक्स और वाई दोनों को क्या रखने से, वन रखने से, तो बहुत अच्छे सिंपल प्रॉब्लम बनते हैं इससे, सभी गुणांकों का योग पूछा जाए तो उसमें जितने चर होते हैं उनको वन रखते हैं, बात समझ में आई क्या, जितने गुणांक होते हैं उनको वन रख देते हैं, समझ में आया कि सभी को? यस सर। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए तो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इस पर, किस 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 टाइप का क्वेश्चन होता है द्विपद गुणांकों के योग से संबंधित, फिर अभी प्रॉपर्टी तो और भी है बहुत सारी, है ना, अभी हम पहले एक क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन कैसा हो सकता है द्विपद गुणांकों के योग पर, लिखेंगे क्वेश्चन, वन प्लस एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर की पावर 2163 के प्रसार में गुणांकों का योग ज्ञात कीजिए, है देख के क्वेश्चन ऐसा लगता कैसे होगा कि इसमें जिसके प्रसार में जितने गुणांक आएंगे हर पद के उनका योग, बड़ा आसान है, चर क्या है इसमें एक्स है, उसकी जगह क्या रख दो, एक रखने का, क्या मिलेगा, जो भी आएगा वो गुणांकों का योग ही मिलेगा, वन समझ में आया क्या, तो वन वन टू माइनस थ्री माइनस वन, माइनस वन की पावर विषम संख्या माइनस, भाई टू रखने से योग कैसे मिलेगा आप बताओ, जो पिछली प्रॉपर्टी में अगर एक्स की जगह टू रखते हैं आप तो गुणांकों का योग कैसे मिलता, गुणांक तो C0, C1, C2, C3 यही है ना, उनके साथ 2 का मल्टीप्लाई होके मिल जाता ना, ठीक है समझ में आई बात, सभी गुणांक जो आएंगे गुणांकों का योग तो चर का मान 1 रखने से ही मिलेगा ना, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, के प्रसार में गुणांकों
गुणांकों का योग ज्ञात कीजिए। कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना है, बड़ा आसान है। क्या कर रखना है, कितना आ जाएगा, थ्री पावर टेन, कितना हो गया, थ्री माइनस सेवन फोर, फोर की पावर टेन, माइनस फोर की पावर टेन मतलब प्लस फोर मतलब टू की पावर ट्वेंटी। यही आंसर कैलकुलेट भी कर सकते, समझ में आया। तो गुणांकों का योग कैसे निकालना है, बिल्कुल बहुत इजी है एप्लीकेशन। अब जो गुणांकों का हमने पहला गुण लिखा है एनसी जीरो एनसी वन, एनसी जीरो प्लस एनसी वन प्लस एनसी टू अप टू एनसी एन इक्वल टू 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 दी पावर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी सी जीरो माइनस सी वन प्लस सी टू माइनस सी थ्री, अल्टरनेट प्लस माइनस चलते जाए तो जीरो आएगा। कैसे प्रूव होगी ये प्रॉपर्टी, जैसे अगर हम एक्स प्लस वाई की पावर एन सी जीरो एक्स एन सी वन एक्स एन माइनस वन वाई सी टू एक्स एन माइनस टू वाई स्क्वायर सी एन वाई, समझ में आया। एक्स की जगह वन और वाई की जगह माइनस वन, क्या मिलेगा, जीरो है ना। एक्स की जगह वन, वाई की जगह माइनस वन, एक्स की जगह वन और वाई की जगह माइनस वन, तो सी वन प्लस सी टू माइनस सी थ्री, समझ गए क्या। और इसी तरह आखिरी पद भी आ जाएगा, तो मैंने तो ऐसे ही लिख दिया, अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहे हैं। प्रूफ समझ में आया क्या, ये नोट करो, फिर मैं लास्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ, है ना। लास्ट स्लाइड मांग रहे हैं कोई, मैं बता रहा हूँ, पहले ये नोट करो। हो गया क्या सभी का, ये वाली ये स्लाइड हो गई क्या, तो मैं लास्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ उमाकांत, है ना, मैं लास्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये कंप्लीट हो गई, ये देखो लास्ट स्लाइड। आप हो गया उमाकांत, चलिए अब मैं दो प्रॉपर्टी और बता रहा हूँ, छोटी छोटी है, देख सकते हैं। थर्ड सी जीरो प्लस सी टू प्लस सी फोर, इवन इवन ले ली सम सम संख्या ये, और सी वन सी थ्री सी फाइव और ऑड वाली वन थ्री फाइव इक्वल होती है, और उसकी वैल्यू टू टू दी पावर एन माइनस वन। अब इक्वल कैसे होती है, सेकंड के प्रूफ से प्रूफ बता दो। सी जीरो सी टू सी फोर इधर किया और माइनस वाली उधर लेके सी वन, समझ में आया क्या, जो जो टर्म नेगेटिव थी वो उधर कर, ये प्रूफ समझ में आया क्या। अब ये टू टू दी पावर एन माइनस वन कैसे आएगा, सिंस हमको पहली प्रॉपर्टी पे आए सी जीरो सी वन सी टू सी थ्री सी फोर सी फाइव सी सिक्स क्या होता है, टू टू दी पावर एन होता है, तो इसमें से ये अलग करो सी जीरो सी वन सी जीरो सी टू सी फोर अलग किया सी सिक्स और फिर सी वन सी थ्री सी फाइव सी वन सी थ्री सी फाइव, है ना, ऑड ऑड वाली अलग कर दी, दोनों का सम टू एन। हाँ, और इस दोनों का एक्स मान लो आप सी जीरो प्लस सी टू प्लस सी फोर और इक्वल, इक्वल तो प्रूव कर ही चुके हैं सी वन सी थ्री सी फाइव को, क्या मान लिया हमने एक्स, तो ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया टू की पावर टू, तो कितना हो गया टू की पावर टू की टू इंटू एक्स
एक्स और एक्स टू इंटू एक्स टू टू दी पावर एन, टू से डिवाइड कर दो, टू की पावर एन अपॉन टू, क्या आ जाएगा, टू टू दी पावर एन माइनस वन। देयर फॉर प्रूव हो गया क्या? प्रूफ समझ में आया कि सभी को? थर्ड प्रॉपर्टी का प्रूफ समझ में आया कि सभी को? ठीक है, अब मैं इसी स्लाइड पे, हो गया ये सभी का कंप्लीट हो गया क्या? हाँ, तो देखो पिछली स्लाइड पे ऐड करता हूँ, पिछली स्लाइड पे जगह है। ये देखो, ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने जो पढ़ी थी सी जीरो सी वन सी टू, वहीं से सी वन सी टू सी थ्री सी एन निकालेंगे। मतलब जो सी जीरो था एन सी जीरो उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दी टू की पावर एन माइनस वन, और जो अभी थर्ड पढ़ी अपन ने ऑड और इवन वाली, सम और विषम वाली, उसमें टू की पावर में ही एन माइनस, ये जो कुछ भी नहीं किया इसमें सी जीरो को उधर शिफ्ट कर दिया हमने, तो सी जीरो की सी जीरो मतलब एन सी जीरो, एन सी जीरो की वैल्यू वन होती है, तो टू टू दी पावर एन माइनस। क्या ये समझ में आई क्या ये प्रॉपर्टी? सभी को समझ में आ गया? नोट कर चुके हैं सभी? कंप्लीट हो गया है ये लास्ट स्लाइड भी? अब जस्ट मिनट,